हेलो एवरीवन, मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल के एजुकेशनल सेगमेंट में। आपको ध्यान होगा कि हम क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और वो भी रेवेन्यू रिफॉर्म्स से रिलेटेड, जिसमें हमने कॉर्नवालिस की चर्चा की थी और साथ ही उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात कही थी उस सिस्टम के बारे में जो कॉर्नवालिस ने शुरू किया था और जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट की काफ़ी खामियां भी मैंने बताई थी और जाहिर सी बात है कि जब कभी किसी चीज़ में खामी आती है तो एक नए सिस्टम की ज़रूरत होती है और उसी चीज़ की चर्चा हम अपने आज की क्लास में करेंगे। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है रूलिंग द कंट्रीसाइड। रूलिंग द कंट्रीसाइड में जिस रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में हम आप पढ़ेंगे वो ये, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में आपको ध्यान होगा कि जो रेवेन्यू तय कर दी गई थी वो तकरीबन 10 साल के लिए थी, जो कि एक बहुत ही लंबी अवधि थी, और इतने लंबे समय तक के लिए एक निश्चित रकम होना कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही हानिकारक था, क्योंकि उसके कोष में पैसा ही नहीं आ पा रहा था उतना। उसे तो ज़रूरत थी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की, और ये जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी किए जा रहे थे उसके दो ही उद्देश्य थे। यदि ध्यान होगा आपको तो पहला उद्देश्य तो ये था कि अधिक से अधिक धन वसूलना और दूसरा उद्देश्य ये था कि किसानों की सुरक्षा। हालांकि इन दोनों में से कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा था और इसीलिए अब एक नए सिस्टम की जरूरत हो रही थी और वो सिस्टम था महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी सिस्टम किसने लागू किया, कब लागू किया, कहाँ लागू किया और इसके अलावा महालवाड़ी सिस्टम था क्या, ये हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल होता है रेवेन्यू रिफॉर्म से रिलेटेड वो यही कि इस रेवेन्यू के किसी भी पर्टिकुलर सुधार को किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया, किस साल में शुरू किया और उसे किन प्रांतों में लागू किया गया। तो हम बात कर रहे हैं महालवाड़ी सिस्टम के बारे में और इसे किसने लागू किया, कब लागू किया और कहाँ लागू किया। ठीक है, तो इसे हॉल्ट मैकेंजी ने हॉल्ट मैकेंजी ने प्रस्तावित किया था, प्रपोजल दिया था। ठीक है, हालांकि बाद में इसे दूसरे गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। तो हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में इसको प्रस्तावित किया था और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ये पारित हुआ था, यानी कि 1822 ईस्वी में पारित हुआ था, क्योंकि इसका श्रेय हॉल्ट मैकेंजी को ही जाता है, इसीलिए डेट हम लिखेंगे 1822। हालांकि हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में इसे प्रस्तावित किया था और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसे 1822 में पारित किया था, इसीलिए 1822 में इसे पारित किया गया। अब ये लागू किया गया यूपी, एमपी और पंजाब में। हालांकि आप यहाँ यूपी जो देख रहे हैं ये दरअसल उस समय में आपको ध्यान होगा कि बंगाल एक प्रेसिडेंसी थी और ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, तो उस समय में इसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता था, आपको ध्यान होगा। तो ये तो पूरा सिस्टम था महालवाड़ी, किसने लागू किया, कब लागू किया और किन क्षेत्रों में लागू किया, पर एक्चुअली ये सिस्टम था क्या इसे हम समझते हैं। चलिए इसे इरेज कर लें। महाल दरअसल कहते किसे हैं, आपको ध्यान होगा कि जो हमने चिरस्थाई बंदोबस्त पढ़ा या अस्थाई बंदोबस्त पढ़ा या इस्तमरारी पढ़ा या परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा, ये चारों एक ही नाम है, परमानेंट सेटलमेंट के ही अलग अलग नाम है। तो उसमें था कि जमींदार जो था उसे क्या मान लिया गया था, जमीन का मालिक। अब यहाँ पे स्थिति दूसरी थी, चिरस्थाई बंदोबस्त से ये बंदोबस्त जो है वो डिफरेंट था,
यानी कि महालवाड़ी सिस्टम वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट। क्या अंतर था पहले ये देखते हैं, पहले समझते हैं कि महालवाड़ी सिस्टम क्या था और उसके बाद जमींदारी सिस्टम से क्या अंतर था ये देखेंगे। तो चलिए महाल को पहले समझते हैं कि महाल कहते किसे थे। इस सिस्टम में क्या हुआ कि इसमें कृषक को यानी पीजेंट को एक इकाई नहीं माना गया, उसके खेत को यानी कि कृषक का जो खेत था उसे एक इकाई नहीं माना गया, बल्कि गांव को एक इकाई माना गया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक गांव है, ठीक है, ये एक गांव है, इसके अलावा आसपास और भी गांव है, ठीक है। इसमें एक गांव में कई प्लॉट होते हैं, है ना, तो कई प्लॉट को ले लेते हैं हम लोग, कई प्लॉट को ले लिया हमने, है ना, कोई छोटा प्लॉट होता है, कोई बड़ा प्लॉट होता है, इस तरह के प्लॉट को ले लिया गया और एक समूह के रूप में, सामूहिक रूप से इस तरह से प्लॉट को ले लिया गया और एक सामूहिक रूप से ये गांव अलग से रेवेन्यू चुकाता था, ये गांव अलग से रेवेन्यू चुकाता था और ये गांव अलग से रेवेन्यू चुकाता था। तो ये जो अलग अलग गांव था ना, ये ग्राम जो था यानी गांव जो था, विलेज जो था, इसे ही महाल कहते हैं और इसीलिए इस सिस्टम को भी महालवाड़ी सिस्टम कहते हैं। अब इसमें क्या होता था कि मान लीजिए अलग अलग प्लॉट है तो इन सारे प्लॉट की जो कुछ भी उपज होती थी उसके रेवेन्यू को, यानी कि ये सारे लोग मिल के जो है वो रेवेन्यू चुकाते थे। यहाँ भी इस सारे प्लॉट के लोग मिल के जो है वो रेवेन्यू चुकाते थे। यहाँ भी सेम चीज थी, यानी गांव में सामूहिक रूप से रेवेन्यू चुकाने की जो प्रथा थी उसे ही महालवाड़ी सिस्टम कहते हैं और यहाँ पे गांव को महाल कहा जाता था, ठीक है। अब ये होता कैसे था और जमींदारी सिस्टम से कैसे अलग है। जमींदारी सिस्टम में ये था कि माल महाराज की मिर्जा खेले होली दोनों ही चीज में है, क्योंकि उसमें जो है वो जमीन जो था वो किसानों का था लेकिन मालिक मान लिया गया जमींदार को। यहाँ पे क्या था कि जमीन जो था वो किसानों का ही है लेकिन ये किसानों के स्वामित्व में नहीं है। कहने का मतलब इसमें जो अलग अलग प्लॉट है उसे व्यक्तिगत संपत्ति नहीं मानकर सामूहिक संपत्ति मानी गई और ये सभी की जिम्मेवारी हुई कि सभी मिलके लगान देंगे। दूसरी बात कि ये सब मिलके जो जमीन थी ये एक्चुअली ग्राम सभा की जमीन थी, माना गया ऐसा कि ये जमीन जो है ये ग्राम सभा की जमीन है और ग्राम सभा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ के किसानों से लगान वसूल करके ब्रिटिश सरकार को दे। तो अब ये कैसे होता, इसके लिए क्या किया गया कि ग्राम सभा ने ही किसी एक किसान को लंबरदार नियुक्त किया। लंबरदार आपने शब्द सुना होगा, लंबरदार, ये लंबरदार क्या होता था, किसानों में से ही एक को लंबरदार चुन लिया जाता था और ये सभी जगहों से टैक्स कलेक्ट करता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। तो कहीं ना कहीं ये लंबरदार जो था बाद में चलकर जमींदार की तरह ही हो गया, क्योंकि ये करता क्या था ये देखिए कि क्योंकि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता था लगान चुकाने का, तो ये सब मिल के देते थे। कई बार क्या होता था कि कई छोटे प्लॉट वाले लोग जो है वो लगान चुकाने में समर्थ नहीं होते थे, तो लंबरदार क्या करता था कि वो छोटा प्लॉट किसी बड़े कृषक को दे देता था, किसी बड़े पीजेंट को दे देता था कि आप यहाँ से उपज कीजिए ताकि लगान सही तरीके से सही समय पर दिया जा सके। तो ये एक खामी थी इसकी। अंतर ये था जमींदारी सिस्टम से कि जमींदारी सिस्टम में क्या था कि 10 साल के लिए एक जमींदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया था, उसे मालिक मान लिया गया था और माना गया कि सही समय पर यदि जब तक वो देता रहेगा लगान तब तक उसकी जमींदारी नहीं छीनेगी लंबे समय तक के लिए, जबकि इसमें ये चीज़ नहीं था, ये रिवाइज्ड होता था समय समय पर, इसे रिवाइज किया जाता था और इस तरीके से ये लगान का जो सिस्टम था इसे हम लोग महालवाड़ी सिस्टम कहते हैं। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि इसमें लगान देने का दायित्व किसी एक व्यक्ति का नहीं होकर गांव का था, गांव की सामूहिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो लगान एक जगह इकट्ठा करें और लंबरदार जो है वो उस लगान को ले जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। इस व्यवस्था को इन क्षेत्रों में लागू करने का, यानी कि पंजाब में, यूपी में और एमपी में, मध्य प्रदेश में, कि यहाँ पर पहले से ही सामूहिक रूप से लगान चुकाने की परंपरा चली आ रही थी, इसीलिए इस सिस्टम को इन क्षेत्रों में लागू किया गया। तो ये तो था महालवाड़ी सिस्टम। अब हम बढ़ते हैं एक तीसरे सिस्टम की तरफ, वो भी रेवेन्यू रिफॉर्म से रिलेटेड है और ये सिस्टम तो जो हमने पढ़ा जनरली नॉर्थ इंडिया में था,
अब जो सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साउथ इंडिया में। चलिए देखते हैं। जो तीसरा सिस्टम था वो था रोयतवाड़ी सिस्टम, जो साउथ इंडिया में चला था। उसके बारे में भी फिर से वही सवाल होंगे कि किसने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया और किन क्षेत्रों में इंट्रोड्यूस किया। तो रोयतवाड़ी सिस्टम इसे कहते हैं। रोयतवाड़ी सिस्टम इसे क्यों कहते हैं ये मैं भी बताती हूँ। रोयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में भी वही तीन सवाल, किसने किया, कब किया और कहाँ किया, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो किसने में आपका नाम आ जाएगा, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, दो लोग थे जिन्होंने इसे शुरू किया था। तो अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, और कब लागू किया गया, 1920 में लागू किया गया, और ये शुरू में तो मद्रास में लागू किया गया, शुरुआती समय में मद्रास में लागू किया गया और उसके बाद पूरे साउथ इंडिया में लागू किया गया। ठीक है, तो पूरे साउथ इंडिया में इसे लागू किया गया। अब इसमें क्या था, इस सिस्टम में क्या अलग था, इस सिस्टम में ये अलग था कि पहले के दो सिस्टम जो हमने पढ़े हैं उसमें हमें मीडिएटर्स दिखते हैं। ठीक है ना, पहला सिस्टम जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें हमने देखा कि मीडिएटर जमींदार था, दूसरा सिस्टम जो था उसमें लंबरदार जो था वो मीडिएटर था, पर ये जो तीसरा सिस्टम था इसमें जब साउथ इंडिया में ये लोग गए तो वहाँ की जो जमीन इन्होंने एक्वायर करी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो इन्होंने ये ध्यान दिया था कि यहाँ पे कोई जमींदारी सिस्टम प्रचलित नहीं थी, यानी कि परंपरागत रूप से वहाँ कोई जमींदार नहीं हुआ करते थे। तो जब ये साउथ इंडिया गया और वहाँ पे इन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है, तो उन्होंने कल्टिवेटर्स के साथ, यानी डायरेक्टली ही कल्टिवेटर्स के साथ, यानी कि किसानों के साथ, यानी कि रैयतों के साथ इस सेटलमेंट को किया। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो कि डायरेक्ट पीजेंट्स के साथ की गई, क्योंकि ये डायरेक्ट किसानों के साथ की गई इसीलिए इसे रैयतवाड़ी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि रैयत कहा जाता था किसानों को। तो इस सिस्टम में यही अलग है बाकी दो सिस्टम से कि इसमें कोई मीडिएटर नहीं था। नुकसान क्या हुआ, फिर भी नुकसान हुआ, और नुकसान क्या हुआ, अगेन हम वहीं पे आएंगे, इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, इंटेंशन उनका था ज्यादा से ज्यादा धन की उगाही, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना, और दूसरा कृषकों की सुरक्षा, यानी पीजेंट्स जो थे उनकी सुरक्षा। पर कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है कि यदि आप ज्यादा से ज्यादा उगाही करेंगे लगान की तो कृषक कभी खुश नहीं रहेगा, और यदि कृषक को खुश करना चाहेंगे तो लगान उतना नहीं मिलेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं यदि पूछिए तो रेवेन्यू सिस्टम में रिफॉर्म्स हुए पर ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, गरीब किसान गरीब ही रह गया। इनफैक्ट मद्रास में भी यही बात सोची गई थी कि भाई डायरेक्ट जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसानों से तो क्या होगा कि वो इंटरप्राइजिंग पीजेंट्स के रूप में उभर कर सामने आएंगे और बहुत ही रिच रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा एक्चुअली में हुआ नहीं, और गरीब किसान इतना गरीब हो गया और भी गरीब हो गया कि शहरों की ओर चला गया। यानी आप सोचिए कि शहरों की ओर जाके उन्हें क्या मिलने वाला था, यहाँ तो उनकी अपनी जमीन थी जहाँ वो खेती करके कुछ खा सकते थे, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते थे, लेकिन अब जब उन्हें यहाँ पे छोड़ के शहरों में जाना पड़ा तो वही किसान जो अपनी जमीन का मालिक हुआ करता था, खेतीहर हुआ करता था, वो शहरों में जाकर मजदूर में कन्वर्ट हो गया। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आगे की क्लास के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, जरूर देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।